अगर आप लोग एक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी या फिर कुछ भी अगर आप लोग लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी का टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज और अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल देखने को मिलता है, और ये दोनों सेल में आप लोगों को काफ़ी अच्छे रेट में काफ़ी अच्छे सामान मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ये सेल में कुछ भी लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 टिप्स दूंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप लोग और भी ज़्यादा डिस्काउंट में कोई भी प्रोडक्ट को ले सकते हो, और कुछ स्कैम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो ये कंपनी ऐसी करती है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उससे आप लोग बच पाओगे। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आप लोग को 5 ट्रिक्स बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो, और मैं आप लोग को बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोग आज के इस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट के कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में। बहुत बार क्या होता है, कंपनी हमारे साथ स्कैम करती है। किस टाइप की, मैं बताता हूँ। आप लोग ने भी कभी ये चीज़ देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, किसी फ़ोन की अगर प्राइस 15,000 है तो उसका प्राइस 20,000 लिख देंगे, फिर उसको काट के 15,000 कर देंगे और उस पर लिख देंगे 5,000 रुपीज़ ऑफ। ये जो चीज़ है ये कंपनीज करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसे स्कैम में अब नहीं फंसोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्राइस ट्रैकर। इस वेबसाइट पर जाके जो भी प्रोडक्ट आप लोग लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से या फिर किसी भी साइट पे, आपको सिंपली उसका लिंक को कॉपी करना है और प्राइस ट्रैकर वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है ये आपको बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट जो आप लेने वाले हो इसका प्राइस पहले क्या था और अभी क्या है, और आपको पूरा ग्राफ में ये चीज़ बताएगा कि पहले इसका प्राइस कब कब हाई हुआ था, कब कब लो हुआ था, और अभी जो आपको डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है आपको कितना रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है वो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप लोग कोई भी चीज़ ऑफर में ले रहे हो तो एक बार ये चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना रुपया का ऑफ मिल रहा है पहले के प्राइस में और अभी ऑफर वाले प्राइस में। तो ये चीज़ को आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कंपनी ऐसे प्राइस बढ़ा के काट के फिर उसको कम करके आपको बेच देती है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कभी कभी आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलता होगा। आप लोग कोई प्रोडक्ट लेते हो अमेजन से और वहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिलता है, उसके बाद आप लोग लेने के बाद ये देखते हो कि फ्लिपकार्ट पे वो 60% ऑफ में मिल रहा था। ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी होता है, तो इस चीज़ से कैसे बचना है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉमन कार्ट। अब इस ऐप का फ़ायदा क्या है, इसमें आप लोग को एक सर्च बार मिलता है, आप लोग को सिंपली अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सर्च कर लेना है। अमेजन का सर्च नहीं, ऊपर वाले सर्च में, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब इस एप्लीकेशन की एक खास बात ये है कि आप लोग यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो, जियो मार्ट और स्नैपडील जैसे वेबसाइट पे एक ही बार में देख पाओगे। जैसे कि आप लोग अमेजोन यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको सिंपली स्लाइड करके यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एजियो का भी देख सकता हूँ, जियो मार्ट का भी देख सकता हूँ। तो आप लोग एक प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे या फिर जितने भी शॉपिंग साइट है आप लोग उसको ऐड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लोग एक प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट पर कंपेयर कर सकते हो और जिसमें आपको रेट अच्छा मिलेगा आप लोग वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हो। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो आप लोग एक लैपटॉप को, सपोज आपको लैपटॉप लेना है तो आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन और जितने भी साइट जहाँ पे लैपटॉप मिलते हैं आप लोग सभी को एक साथ कंपेयर कर पाओगे और आपको रिजल्ट एक ही बार में शो होगा। यहाँ पे अमेजोन है, ऐसे मैंने स्लाइड कर दिया, फ्लिपकार्ट आ गया, एजियो आ गया, जियो मार्ट आ गया, जारा आ गया, मित्रा आ गया, और जितने भी टैब आप लोग को चाहिए, जितने भी आप लोग साइट पर जाकर शॉपिंग करते हो आप लोग उसको ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो और आप लोग पता लगा सकते हो किस में आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिल रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको किस में मिल रहा है, उसके बाद आप लोग उस साइट से जाकर शॉपिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और आप लोग इसमें नया ऐड भी कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, आपको बस इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ ऐड टैब पर क्लिक करना है। ऐड टैब पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको चूज़ मिल जाएगा, चूज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से करके आप लोग कंपेयर कर सकते हो एक प्रोडक्ट को अलग अलग साइट से और जिसमें आपको सही रेट मिलेगा आप लोग वहाँ से ले सकते हो, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड ट्रिक के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए बना पाते हैं और आपका लाइक देख के हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अगर आप लोग स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको एक ऑफर मिलता है जिसमें आप लोग अपने स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल टाइम में एक्सचेंज कराते हो तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लोग सेल के टाइम में एक्सचेंज कराओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और तो और अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है, अगर आपके पास कोई फीचर फ़ोन है जो बटन वाला फ़ोन होता है नोकिया सैमसंग का, तो आप लोग उसको भी एक्सचेंज करा पाओगे। तो देखिए, अगर घर के कोने में आपको कोई भी ऐसा फीचर फ़ोन पड़ा हुआ है तो आप लोग उसको एक्सचेंज करके नया फ़ोन ले सकते हो। एक्सचेंज करके पूरा नहीं, पैसा आपको देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत और ज़्यादा आप लोग डिस्काउंट ले पाओगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है, डैमेज है, ख़राब है, तो आप लोग उसको भी एक्सचेंज कर पाओगे। अगर वो वर्किंग कंडीशन में रहा थोड़ा बहुत तो वो लोग उसको भी ले लेंगे। तो अगर आप लोग स्मार्टफोन एक्सचेंज करके नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है। आप लोग इस टाइम पे एक्सचेंज करके ज़्यादा अच्छे रेट ले सकते हो और नॉर्मली आपको थोड़ा कम मिलता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर ट्रिक के बारे में, और ये चीज़ काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या। जितने भी कंज्यूमर होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा लेटेस्ट के पास जाते हैं, लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट लैपटॉप, लेटेस्ट टीवी, हम लोग हमेशा लेटेस्ट के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि पहले उसका दाम 50,000 था, अभी वो आपको 40 या 30,000 में मिल रहा है, ऐसा भी होता है। और बहुत बार तो ये सब चीज़ ऐसे डिस्प्ले नहीं होती है, लेकिन वो रहता है ऐसा, आप लोग सर्च करो तो मिलेगा, लेकिन वो डिस्प्ले पे ऐसे इस तरह से नहीं आता है पुराना चीज़, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो आप लोग अगर चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है, आप लोग सिंपली चेक कर लो जो फ़ोन पहले लॉन्च हुआ था, 6 महीना 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसका दाम बहुत ज़्यादा था, फॉर एग्जाम्पल ROG 5 या ROG 3, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा फ़ोन है जो कि बहुत पहले लॉन्च हुआ था लेकिन वो बहुत महंगा था, तो हो सकता है अभी के टाइम पे आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाए। और स्पेशली अगर आप लोग आईफोन लेना चाहते हो तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूँगा, आप लोग आईफोन पुराना सीरीज़ लें, क्योंकि पुराना सीरीज़ आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। अगर कोई नया लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो आईफोन पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, अगर आप लोग पुराना आईफोन लेते हो तो आपको भर भर के डिस्काउंट मिलता है उस पर, काफ़ी कम रेट पे आपको मिलता है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 के बारे में। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये कोई कैशबैक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। आप लोग ने कभी ना कभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोग ने कभी एफिलिएट मार्केटिंग किया है? हो सकता है आप लोग नहीं किया होगा, आप लोग ज़्यादा इस तरह से दिमाग वगैरह नहीं लगाते होगे, बट मैं बताता हूँ आप लोग को। आप लोग बस amazon.in एसोसिएट सेंटर पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप लोग यहाँ पे अपना ID क्रिएट कर लेते हो तो होगा क्या, Flipkart का भी एफिलिएट प्रोग्राम आता है, आप लोग वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग वहाँ पे अपना ID बना लोगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में बहुत लोग होंगे जो इस टाइम पे कुछ ना कुछ लेने वाले होंगे, स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर जितने भी चीज़ होती है, आपके फैमिली और फ्रेंड्स में काफ़ी लोग होंगे जो ये सब चीज़ लेने वाले होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को बस अपना एफिलिएट प्रोग्राम बना लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, जो कि आप फ्री में कर सकते हो। उसके बाद जो भी वो चीज़ लेने वाले, फॉर एग्जांपल आपको सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसको 40,000 के अंदर में लैपटॉप लेना है, तो उसको तो लैपटॉप लेना ही है, वो लैपटॉप लेने ही वाला है। तो आप लोग क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि जब वो लैपटॉप सिलेक्ट वगैरह सब कुछ कर लेगा, जब वो फाइनल कर लेगा कि मुझे ये लैपटॉप लेना है, तो वो बस आपको लैपटॉप का नाम बता देगा। और आपको क्या करना है, आपको उस लैपटॉप का नाम अपने अकाउंट में सर्च करना है, उसके बाद आप लोग उसका लिंक को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। उसके बाद जब आपका फ्रेंड उस लिंक से लैपटॉप लेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। मैं कमीशन का लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग कमीशन कमा सकते हो घर बैठे बैठे, और इस चीज़ को करके आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो अच्छे खासे। जितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टेक क्रिएटर्स हैं या फिर इंस्टाग्रामर्स हैं, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं इस एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके। तो अगर आप लोग अगर कोई यूट्यूब चैनल है, कोई इंस्टाग्राम पेज है जिसमें अच्छा खासा फॉलोअर्स है, तो आप लोग को एफिलिएट मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपके फ्रेंड रिलेटिव में जितने भी लोग कुछ भी लेने वाले होंगे, आपको बस लिंक शेयर कर देना है और आपको कमीशन मिलेगा। तो बस इतना सिंपल सा काम करने से कमीशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो क्या खराब है, कर लो। और सबसे बेस्ट तो ये टाइम है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं, तो इस टाइम में अगर आप लोग प्रोग्राम बनाते हो और शेयर करते हो अपने लिंक को, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं दिवाली का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने आप लोग को 5 ट्रिक्स बता दिए जिसको यूज़ करके आप लोग काफ़ी अच्छे से डिस्काउंट ले सकते हो, जो स्कैम होते हैं कंपनी के उससे बच सकते हो, और एफिलिएट मार्केटिंग क्रिएट करके आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा। क्या आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, वही मैं कमेंट बताऊँ। अगर आप लोग को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और भी डिटेल में जाना है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के आप लोग को बता दूंगा कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट को सेल करना है, कमीशन कैसे अर्न करना है, ये सब कुछ मैं एक डिटेल वीडियो में बना के आपको बता भी दूंगा। तो अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये नॉलेज सबके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा।
जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और साइड में आप लोग को दो वीडियोस दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।